जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगल में गए तो माँ सबरी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनको जो ज्ञान की बात बताई वह अक्सर हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। नंबर 1, सदा मुझ में दृढ़ विश्वास रखना। नंबर 2, संतों को मुझसे भी बढ़कर मानना और उनका आदर सत्कार करना। नंबर 3, छल कपट रहित जीवन जीना। नंबर 4, संतों की भांति सदा मेरे राम नाम के मंत्र का जाप करना जो वेदों में प्रसिद्ध है। नंबर 5, सब प्राणियों में समभाव की भावना रखना, संपूर्ण विश्व को राममय जानना। नंबर 6, जितना भी मिला है उसी में संतोष करना और ज़्यादा फल की इच्छा न करना। नंबर 7, सुख में ज़्यादा प्रसन्नता और दुख में ज़्यादा शोक प्रकट न करना। नंबर 8, अभिमान रहित होना, सपने में भी किसी की निंदा न करना, किसी के दोष को किसी के सामने प्रकट न करना। नंबर 9, सत्य का ही संग करना, झूठे और दुष्ट व्यक्ति से सदा दूर रहना। ऐसी ही 9 तरह की श्री राम ने सबरी को ये बातें बताई कि जिस मनुष्य में भी ये एक भी गुण हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और हे बामिनी, तुझ में तो ये सभी गुण हैं, अगर भक्ति करनी है तो सबरी की तरह करो।